हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ और घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हम बनाएंगे चावल की खीर और इसमें हम डालेंगे एक सीक्रेट चीज जो कि सभी के घरों में अवेलेबल होती है, जिससे कि हमें खीर को ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा और हमारी एकदम रबड़ी एकदम मलाईदार खीर बन के तैयार होगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हम लेंगे एक कटोरी टूटा हुआ चावल। ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं खीर के चावल के नाम से, नहीं तो आप अपने घर में जो भी चावल हैं आपके, आप उसको मिक्सी में चला के फिर उसको छान लें, इस तरीके से आपको चावल मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कटोरी साबूदाने का आटा। आप साबूदाने को मिक्सी में चला लीजिए रोस्ट करके, यहाँ पे आपको आटा मिल जाएगा साबूदाने का। अब इन दोनों चीज़ों में हम पानी डाल देंगे और अच्छे से हम चावलों को वॉश कर लेंगे 2-3 बार, ताकि जितनी भी गंदगी चावलों में वो निकल जाए अच्छे से। तो यहाँ पे मैं चावलों को वॉश कर लिया है, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने इसमें साफ पानी डाल दिया, इसको हम कवर कर देंगे दोनों ही चीज़ों को। अब करीबन आधे घंटे के लिए हम इनको कवर करके छोड़ देंगे ताकि दोनों ही चीज़ें अच्छे से सोक हो जाए साबुदाने को। यहाँ पे हम लेंगे एक बड़ा बर्तन खीर बनाने के लिए। आप कढ़ाई या किसी बड़े पतीले का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी पहले डाल दिया बर्तन में ताकि दूध नीचे ना लगे। और यहाँ पे मैं डालूँगी 2 लीटर दूध और बस इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हमें पका लेना, जब तक इसमें एक अच्छे से बॉईल ना आ जाए। और यहाँ पे हम फुल फैट दूध का यूज़ करेंगे खीर बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम चावलों को देख लेते हैं, यहाँ पे करीबन आधा घंटा हो चुका है और जो चावल है वो अच्छे से सोख हो चुके हैं हमारे। अब इन चावलों को एक बार अच्छे से फिर से वॉश कर लेंगे, इनका पानी जो हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए दूध भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, पहले के अकॉर्डिंग कितना कम भी हो चुका है। इसको हमने 10 से 15 मिनट तक अच्छे से कुक कर लिया है। तो जो अपने चावल सोख करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। जब भी हम चावलों को पहले से सोख करके रखते हैं तो खीर जो हमारी बहुत अच्छी और बहुत जल्दी बन के तैयार होती है। अगर हम तुरंत ही चावलों को डालते हैं तो खीर हमारी जल्दी कुक नहीं होती और ना ही इतनी अच्छी बनती है। तो बस इसी तरीके से हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। इसको हमें ज़्यादा चलाने की भी ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो गैस को एकदम लो पे कर दीजिए और इसको आराम से कुक होने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट बाद ही जो हमारी खीर है 50% बन चुकी है, कितनी थिक हो चुकी है। तो अब जो हमने साबूदाना सोक करके रखा था उसका जो पानी है वो हम निकाल देंगे और इसमें जो हम साबूदाना वो हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो इसका पानी था वो मैंने हटा दिया है ऊपर से। और यहाँ पे देखिए एकदम रबड़ी की जो साबूदाना वो हो चुका है सोख होके, तो इसमें हम सारा साबूदाना डाल देंगे। ये इसकी मेन सीक्रेट चीज़ है जिससे जो खीर एकदम रबड़ी की तरह एकदम मलाईदार बन के तैयार होगी। और इसके बाद बस 5 से 7 मिनट में जो हमारी खीर है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो बस इसे 2 से 3 मिनट इसी तरीके से हम चला लेंगे। और यहाँ पे देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी लग रहा है एकदम खीर का, देखिए एकदम क्रीमी कितना अच्छा टेक्सचर आया है इस खीर का। तो बस यहाँ पे जो हमारी खीर है वो ऑलमोस्ट बनके तैयार हो चुकी है, देखिए कितना रबड़ी की तरह एकदम ये खीर बनके तैयार हुई है वो भी कुछ ही समय में। तो बस यहाँ पे जो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे अब। और यहाँ पे मैं डालूंगी 1 कप शुगर, आप मीठा अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। और शुगर हम जब ही डालेंगे जब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, उसके बाद ही हमें शुगर डालना है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है येलो फूड कलर, आप चाहे तो केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस जगह पे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं डालूंगी 1 चम्मच इलायची पाउडर, यहाँ पे मैं डालूंगी 1/2 कटोरी नारियल पाउडर। ये सभी चीज़ें हमें गैस फ्लेम ऑफ करके करनी है। यहाँ पे मैं डालूंगी काजू और बादाम क्रश करके। यहाँ पे मैंने डाली है किशमिश। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, जो हमारी खीर है वो यहाँ पे एकदम बन के रेडी है। अब इनको हम सर्व कर देते हैं बाउल्स में। यहाँ पे देखिए क्रीमी खीर बन के तैयार हुई है। यहाँ पे मैं डालूंगी ऊपर से काजू और बादाम गार्निश के लिए बारीक बारीक चॉप करके। जब भी आप खीर बनाएं उसमें साबूदाने का थोड़ा सा आटा ज़रूर ऐड करें, जिससे कि खीर झटपट बनती है, समय भी नहीं लगता है और ना ही उसे हमें ज़्यादा चलाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बस हमारी यम्मी यम्मी सी जो खीर है वो बनके तैयार हो चुकी है, जो कि एकदम रबड़ी की तरह टेस्ट आने वाला है इस खीर का, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनके तैयार हो। तो यहाँ पे मैं आपको खीर को स्पून से लेके भी दिखा देती हूँ कितना अच्छा टेक्सचर हमारी खीर का आया है।
तो यहाँ पे देखिए एक एक चावल जो हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, कहीं पे भी कोई चावल नजर नहीं आ रहा। कितनी एकदम क्रीमी खीर बनके तैयार हुई, एकदम क्रीम की तरह ये दिखने में लग रही है, जैसे कि हमने खीर नहीं यहाँ पे क्रीम रखी हुई है बाउल्स में। तो बस जब भी आपके घर में मेहमान आए या आपका खीर खाने का मन करे तो आप इस तरीके से खीर बना के तैयार कर सकते हैं। आपको घंटों किचन में मेहनत करने की या फिर गर्मी में पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको मेरी इंस्टेंट रबड़ी राइस खीर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।